वेलकम बैक ग्रेट व्यूअर्स। हमने गुजारिशात की इमरान खान से, काबिल सद एहतराम, थाउजेंड टाइम एहतराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम अदालतें हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारे लिए तो एक छोटा सा जो बिल्कुल नीचे सिविल जज साहब हैं, वो भी बड़े पावरफुल हैं। उनको अब डिस्कस कर लिया हमने, बहुत कर लिया, फिर किसी वक्त गुजारिश करेंगे। और आइए हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव विद कामी डीएनएन पाकिस्तान से, और हमारा पैरल प्रोग्राम चल रहा है लिस्बन पुर्तगाल, पेरिस एंड लंडन से। तो मेरे साथ जो हमारी को प्रोडक्शन टीम है उसमें चार्ली महक राजपूत और नीलो राजपूत हैं, और हमारे कैमरामैन, हमारी छोटी सी टीम जो है हमारी मदद करती है। और आज हम सबसे ज़्यादा वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मेरी बेगम साहबा जो हैं, बेगम तस्नीम जहां कमियाना, उन्होंने मुझे स्टूडियो लगवाया, बड़ी मेरी हेल्प की है और बड़ी मेहनत से। पहले हम अपने बैक लॉन में गए, बारिश हो रही थी, कोशिश थी कि आज बड़े खूबसूरत वेदर में प्रोग्राम करें। फिर हम अपने फ्रंट लॉन में गए जहाँ हमारे ग्रेट फ्रूट्स लगे हुए हैं, लेकिन बात नहीं बन सकी। दैन फिर अल्हम्दुलिल्लाह, सो गॉड ब्लेस माई वाइफ बेगम साहबा ने आज मेरे साथ बड़ी हेल्प की। थैंक यू तस्सीम, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह ताला आपको सेफ दे। तो ग्रेट व्यूअर्स, आइए हम आपको जो सेकंड सेगमेंट दे रहे हैं वो बड़ा बड़ा दुख वाला है, तकलीफ दे है। यानी वो उसका आपको क्या, उसका ये है कि साहब मीटिंग में है, डॉक्टर रूम पे है और जज छुट्टी पे है, और वकील साहब ने तारीख मांग ली। तो आपको क्या बताएं, पूरी दुनिया में जाते हैं, नहीं एग्जैक्ट टाइम पे। मैं अभी लिस्बन यूनिवर्सिटी में, सीशाल यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया में स्पेशलाइज, जो मैं डिप्लोमा लेके आया हूँ, मालिक कायनात का कर्म है, ऑनर फॉर मी एंड ऑनर फॉर पाकिस्तान। उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मैं पाकिस्तानी पढ़ता था, बहुत कुछ सीखा। प्राइम मिनिस्टर गुजर गए, कोई पता नहीं किसी का, मुझे नहीं पता कि वहाँ कोई स्कूटर वाली गाड़ी मास्वे एम्बुलेंस के गुजरी हो, इशारा बंद हुआ हो, ट्रैफिक रुकी हो, कोई मैं गिनवाता नहीं, बिना फ्लां, नथिंग डूइंग, ओनली एंड ओनली एम्बुलेंस। ट्रैफिक रुकते नहीं देखे, हर चीज़ चल रही है, ट्रैफिक चल रहा है, शॉपिंग मॉल चल रहे हैं। अगर कोरोना है तो उसके SOPs पे अमल हो रहा है, खुदा करे हम भी ऐसा करें। तो हमें बेशुमार शिकायत मिली, हमें जब पाकिस्तान वापसी हुई तो हमारे दोस्तों की टीम ने, हमारे इर्द गिर्द लोगों ने कहा जी कि आजकल चूँकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है तो टैक्सों की भरमार है, इनकम टैक्स का, टैक्स रिटर्न का एक गलगला है, तूफान है, खौफ है, हॉरर है, और साथ ही जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी टोकन टैक्स, कार टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इसका एक तूफान आया हुआ है। सख्त लोग परेशान हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। पहले जो उनको एक खौफनाक चिट्ठी थमाई जाती है, उनको PT1 जो है, मैं चूँकि पंजाब से हूँ और उसको पंजाब टैक्स 1 वो भेजते हैं, और उसमें इतना बड़ा हैवी इंजेक्शन लगा दिया जाता है, फिर आइए फिर आप दफ्तरों के चक्कर लगाइए। तो ये आपको हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमें बेशुमार दोस्तों ने कहा, हमें खुद एक्सपीरियंस हुआ। तो हमने पहले अपने इलाके के मॉडल टाउन लिंक रोड पे, जो वहाँ हमारी रिहाइश है थी 28B, उसके कंसर्न ETI से बात की, तो पहले उनको बात समझ नहीं लगी, फिर थैंक्स गॉड उनको जब ये पता चला कि जो सर्वे करने वाली टीम है उनमें तो या सिपाही होते हैं या कोई ना कोई बेचारा दफ्तर पहलकार होता है। मोहल्ले में गया, किसी ने पूछा, किसी से अगर वहाँ किसी ने कह दिया कि यहाँ फरिश्ते रहते हैं, उन्होंने जान निकालने वाले फरिश्ते लिख दिया, अगर उन्होंने कहा कि यहाँ शराब की भट्टी चल रही है, चाहे वहाँ रूह अफ़ज़ा बन रहा, उन्होंने वो लिख दिया। तो हमने कन्विंस करने की जब कोशिश की तो जो हमारे एरिए के एक्साइज इंस्पेक्टर साहब हैं अदील जहांगीर साहब, उनको समझ आ गई, वो समझदार ऑफिसर हैं, उन्होंने हमारी बात को नोटिस किया और वो मैनेज करने लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ जो शेयरिंग की उस पर ही अंडरस्टूड द मैटर एंड प्रॉब्लम्स,
और हमने वाजे तौर पे कह दिया कि हमें टैक्स मत छोड़िए, लेकिन कहीं भी छोड़ने नहीं देंगे। आइए हम आपको डिफेंस दिए चलते हैं। डिफेंस में हमारे जेब में ये था कि डिफेंस में प्रॉपर्टी टैक्स जो है डिफेंस इकट्ठा करता है, तो हम सब हम आपको शेयर करवा दें कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड जो है उसमें एक टैक्स का सेल है जिसको हेड करते हैं मिस्टर बलाल, एडिशनल सीओ टैक्स मिस्टर बलाल, और जो वहाँ के वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड कैंट के जो सीओ हैं तो उस टोटल इदारे को हेड करते हैं, उनका नाम हम रिजवी साहब है। तो हमने सोचा कि हम वहाँ चलते हैं और लोगों का हाल देखते हैं कि किस उनका कोई पुरसाने हाल है, क्योंकि एक एक टैक्स स्टूडेंट या रेवेन्यू स्टूडेंट तो सारे बड़े बड़े मुअस्सिस जिसमें ख्वातीन बुजुर्ग जो जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं, जो इस वक्त अकेले रह गए, वो हमने देखा कि वो लाठियाँ पकड़े, वो बैसाखियों पर चलते हुए वो वहाँ रुल रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और वहाँ एक कोहराम है, हम बड़े कमतराक के साथ सीओ ऑफिस गए। सीओ ऑफिस में उनके स्टाफ अफसर जो हैं वो मिस्टर सईद ने कहा जी के साहब को मीटिंग में है, और हमने कहा साहब मीटिंग में है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खैर उन्होंने बड़ी इज्जत से बिठाया, उन्होंने कहा बड़ी तकरीम की, चाय पूछी, उनके साथ एक यंग बच्चा अमन था उनका असिस्टेंट, बेहद इज्जत से। हमने कहा जी नो प्रॉब्लम, अगर मीटिंग चल रही है हम दोबारा आ जाएंगे, हमारा टाइम तय करवा दें। तो उन्होंने कहा कि जी आप बताइए कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं पाकिस्तान से बाहर भी सीख के आया हूँ, ये वेस्ट मैनेजमेंट है, हमारा डिफेंस में बुरा हाल है, पूरे मुल्क में बुरा हाल है, हमारा जो इसका कलेक्शन ऑफ वेस्ट गार्बेज है इसको उठाने का तरीका जो है वो नहायत ख़तरनाक है, वो डेंगू को दावा देता है, वो कोरोना को दावा देता है, वो बीमारियों को दावा देता है, वो जो उठाने वाले उनको पहले उठा लेती हैं बीमारियाँ, बेचारे गरीब बच्चे हैं, कुछ तनख्वाहें नहीं हैं, मामूली तनख्वाहों वाले बच्चे नंगे हाथों से भूखे प्यासे वहीं से वो रोटी चुनते, वहीं से वो पानी चुनते तो पानी पीते हैं, वहीं से चीज़ें उठा के वो खाते हैं। तो उन्होंने हमारी हिफाजत क्या करनी, जो उठा रहे हैं जो गार्बेज उठा रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। तो जब मैंने ये डिफेंस में हाल देखा, जब मैंने वाल्टन लिंक रोड पे यार जहाँ भी मैं जाता हूँ गंदी नंगी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ और उनका बुरा हाल है। तो हमने कहा कि सीओ साहब से वेस्ट मैनेजमेंट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन बैंड अक्रॉस वहाँ हसब मामूल साहब मीटिंग में, तो हमने सईद साहब से कहा कि हमारी मीटिंग अरेंज कराया। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि सर इसके बाद तो साहब ने इस्लामाबाद चले जाना है। तो मैंने इधर गुजर किया, मैंने ओके नो प्रॉब्लम, फिर कभी आ जाएंगे, ये तो हमने इम्प्रूवमेंट करी ना, मुल्क की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, सेहत की बेहतरी के लिए, चलिए हम दोबारा आएंगे। दोबारा आना आसान काम नहीं, सीओ को आना पड़ जाए, मेरे घर के बाहर बैठना पड़ जाए, उसको पता लग जाए, एडिशनल सीओ टैक्स को पता लग जाए, उसको पता लग जाए कि बाहर आके बैठे और हम स्टूडियो में प्रोग्राम कर रहे हों, इनकी तबीयत साफ हो जाए। ये हमारे पैसों पे चलते हैं, हमारे टैक्स पे चलते हैं, हमारा टैक्स कलेक्ट करके अय्याशी करते हैं, मौज करते हैं, और कहते हैं साहब मीटिंग में है किस्सा मकसद। तो द ग्रेट व्यूअर्स, हमें सईद साहब ने बड़े ऑनर के साथ अपना बिल्कुल ग्रीन वेस्ट कोट और नीली या काली टोपी वाला अपना जवान दिया, जो वहाँ के अहलकार हैं, वो हम उन्होंने कहा कि जाएं फ्रा ऑफिस में लेके जाएं। मैंने देखा उस ऑफिस का इस कदर बुरा हाल था, वो कहते हैं जी कि वो रेवेन्यू स्टूडेंट सदीक साहब का ऑफिस है, और हम गए तो बिलीव में वहाँ लोग तड़प रहे थे, ख्वातीन बहुत वेल ड्रेस्ड अच्छे घरों से, पाँच पाँच छः छः सात करोड़ घर के घर की ख्वातीन बच्चे स्कूल छोड़ के वहाँ रोलिंग है टैक्स की करेक्शन के लिए, गलत भेजा होगा, 25 साल पुराना घर है, जाके आओ ठीक कराओ। इस कदर बुरा हाल था, खैर हम भी बैठे, हमने ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी। जिस ऑफिस में बैठे उनको बताया गया कि जिस सीओ ऑफिस आए हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उन बेचारों ने कहा कि ठीक है सर, सदीक साहब तो कोर्ट गए हुए हैं, और दूसरा हम दूसरे साहब जो जमशेद हैं जो डील कर रहे हैं, रेवेन्यू स्टूडेंट है या डिप्टी स्टूडेंट है, उनको बुला रहे थे। चलिए जी अब वो पैगाम भेज रहे हैं, वो नहीं आ रहे, पैगाम भेजा नहीं आ रहे, पैगाम भेजा, वो बेचारा शर्मिंदा हो गया, सदीक साहब के ऑफिस में जो साहब बैठे हुए थे, ही फेल्ट एम्बैरेसमेंट कि सीओ ऑफिस से एक साहब एस्कॉर्ट होके आए, इज्जत के साथ आए हैं, और खुद सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्लस वो टैक्स फाइलर हैं,
और लेकिन वो बेबस हो गया जब, तो इतने में हमें एक दोस्त ने कहा कि जी छोड़ें, एडिशनल जो CO हैं टैक्स वो है मिस्टर बराल, आइए हम उनके पास आपको ले चलते हैं। वहाँ गए तो वहाँ वही दरबान आप रुक जाइए, लेकिन वो नवाज नामी जो उनका अहलकार था, वो कमीज़दार था, उसने कहा सर आप 2 मिनट यहाँ बैठ जाए। मैंने कहा कोई मसला है, हमें चूँकि पहली दफ़े इस ऑफिस में आए हैं, लोगों का हाल हम देख रहे थे, लोग रुल रहे थे। मुझे इतना दुख हुआ कि हमारे जाने से पहले मिस्टर बलाल जो हैं एडिशनल CO जो टैक्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, ख्वाजा आसफ साहब को खौफे खुदा करो, इनको कोई पूछो, आप सारा दिन तकरीरें करते हैं और नीचे आवाम रुल जाते हैं कि आप सिर्फ सियालकोट के डिफेंस मिनिस्टर हैं। नो, ख्वाजा साहब की पे कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम खुद चल के गए, हम भिखारी नहीं थे, टैक्स पेयर हैं, ठीक है। वहाँ गए तो मेरे सामने एक बहुत ही बुजुर्ग, जिनको पकड़ के मुकम्मल सपोर्ट के साथ वो क्या करने आए थे, वो बलाल साहब के पास टैक्स के बारे में कहने आए थे। पता नहीं उनके पास उनका बेटा कहाँ चला गया, उनको छोड़ के कहाँ चले गए। वो इतने माजूर थे कि मुझे शर्म आई, वो अंदर गए, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, हम वेट करते हैं, और यही हम देखने गए थे कि क्या हाल होता है। उनको क्यों आना पड़ा, टैक्स ऑफिसर उनके घर क्यों नहीं गया, ETO खुद क्यों नहीं चल के उनके घर गया, वहाँ क्यों नहीं बैठ के किया। वन विंडो और मोबाइल टैक्स जो है, जो टैक्स करेक्शन है उसकी, जो उसको दुरुस्त करना है, अगर गलत हो गया तो मोबाइल टीमें क्यों नहीं बनी घर जाके करना। आप आए, लिख के 2 लफ्ज़ दिए और आवाम को रोला दिया। खैर, हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया, और जो सबसे एम्बैसिंग बात हुई कि बलाल जो यंग ऑफिसर है उसने तस्दीक की इंतहा कर दी। वो लोगों को बाहर रखा रहा था, अंदर वो बेचारे बुजुर्ग जो हैं जिनसे चला नहीं जाता था, वो काफ़ी देर अंदर क्या करते रहे, मेहनत तो ना करते रहे, भीख मांगते रहे होंगे। उनके बेटे पता नहीं कहाँ चले गए, अल्लाह उनको हिदायत दे कि बूढ़ा बाप उनकी जायदाद को संभालने के लिए टैक्स छुड़ा रहा है। यही हम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या पता, वो तो लंदन में और पेरिस में है, दे आर वेल ऑफ, और हम उनके लिए ये पैसा दुरुस्त करवा रहे हैं। हम छुड़ा नहीं रहे, हम भीख नहीं मांग रहे। लेकिन बलाल ने जो सबसे कभी हरकत की, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसफ साहब आपको ये कहूँगा कि सख्त एक्शन लें, इट्स ए ग्रेट एम्बेसमेंट। कि वेट करवाया, हमने कहा चले एक बुजुर्ग जो हैं वो हैंडीकैप हैं, बहुत ही बूढ़े हैं, अंदर हैं, हमने कहा सोके। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस जो रेवेन्यू स्टूडेंट था उसको बुलाया और बाहर ही कहा जी तुझे दसो। हमने कहा जी, मैंने कहा कि मैं मिलूंगा बलाल से, वो इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आई पे एंड ही गेट्स द सैलरी, वो एंजॉय करता है मेरे टैक्स पे। एनीवे, हमने कोई बात नहीं की, जो मेरे साथ लोग थे उनके मसले मसाइल हल करवाने के लिए वहाँ रिक्वेस्ट की, वहाँ उनका जो गार्ड है उसने कहा सर मैं आपको बुलाता हूँ। मैंने कहा छोड़ो, आई डोंट वांट टू मीट दिस साहब, मीटिंग में है और मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ओके, अब ठीक है। फिर अगर एक तरफ देखा जाए, फिर मैं इमरान के उस रवैये के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन अगर वो इन जैसे अफसरों को कहता है कि मैं तुम्हें सीधा कर देंगा तो मैं इमरान के साथ हूँ। हालांकि इमरान की ये स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इनको सीधा होना चाहिए। एनीवे, टैक्स के मामले में लोगों का बहुत बुरा हाल है। ये इन्होंने जब सभी कंप्यूटर में कंप्यूटराइज है कि घर 25 साल से 20 साल से पुराने हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल दिया है, फिर किस लिए लोग वहाँ दफ्तरों में जाएं, क्यों जाएं, वो रिबेट दे देनी चाहिए। तो मैं गुजारिश करूँगा ख्वाजा आसफ साहब इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। ये क्या इन्होंने बदतमीजी बना रखी है। वहाँ लोग जाइए, वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में लोगों का हशर देखिए, वहाँ ऐसे हैं जैसे रमज़ान शरीफ में किसी बड़े घर के बाहर इफ्तारी कराने के लिए लोग मैंने लगा रहे हैं। वो भी अब ख़त्म हो गए, वो भी बेचारे जो बड़े घरों वाले जो इफ्तारी कराते हैं, मैंने देखा कि मॉडल टाउन में बेहतरीन टेबलें लगाई हुई हैं, खूबसूरत खाने लगाए हुए हैं, ये तो भिखारियों से भी कम कर दिया। इस तरह तो दादा दरबार पर देगे तकसीम नहीं की जाती। जिस तरह ये टैक्स का निज़ाम जो है ये लोगों को ज़रीब करने के लिए किया, टैक्स हमारा अयाशी तुम्हारी, तो आई स्ट्रॉन्गली
कंडेम, और मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहता हूँ कि किसी दिन आइए, हम इकट्ठे होकर चलेंगे और वहाँ जो लोग खड़े हैं उनका एंट्री कीजिए। हम रिपोर्टर साहबान को भी कहेंगे कि जितने टैक्स के ऑफिस हैं उनके बाहर जाइए और देखिए लोगों का क्या हाल हो रहा है। बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले सेगमेंट में एक वक्फे के बाद आपसे फिर गपशप होती है और फिर बात होगी। साहब छुट्टी पे हैं और डॉक्टर राउंड पे है। डॉक्टर राउंड पे है और किसके लिए राउंड पे है, यानी पर्ची निकलती है, क्या अफसोस की बात है। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हमारे एक अजीज, उनका एक्सीडेंट हुआ, फेशियल सारा बर्बाद हो गया, जबड़े टूट गए, कोई उनको अंदर नहीं जाने, नेशनल हॉस्पिटल, मैं नाम ले रहा हूँ। और जो कहते हैं जी पट्टी साहब ने, तो पैरिस वाले भट्टी जो टेलर हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, नेशनल हॉस्पिटल द बिग लूटर, यस। वहाँ जाके लोग, उनकी जो वहाँ लोग जाते हैं उनसे उनकी वर्थ देखी जाती है, फिर वो पैकेज बनाए जाते हैं। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे अपने अजीज जब गए तो उन दो दिन तक अंदर, सैटरडे को दाखिल हुए, पर्ची बाहर आ रही है, ये दे दें, उनका जो है वो जैक से खोला हुआ है, लिक्विड जा रहा है, पर्ची आ रही, सब भागे जा रहे हैं, सब फैमिली बैठी रो धो रहे हैं। सो मैं भी गया, रुक जाए जी डॉक्टर राउंड पे। जब तंग आ गए तो मैंने गार्ड को मैंने पुश किया, मैंने कहा किस चीज़ का राउंड लगा रहे हैं, राउंड हमारे लिए लगा रहे हैं ना, डॉक्टर ने हमारे साथ कंसल्ट कर रहे हैं, शॉर्ट बात है, ये बड़ा जुल्म है, डॉक्टर राउंड पे है भाई, डॉक्टर ने हमारे लिए राउंड करना है ना, मरीज के लिए राउंड करना, मरीज के जो लवाकीन है, जो मरीज के अटेंडेंट हैं उनसे बात करेगा ना। तो जब आपने पूरे अस्पताल गार्डों के हवाले कर दिए, जनाब कंसल्टेंट साहब खुदा बने बैठे, बात नहीं सुनते। ये भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये भी एक ऐसा अस्पताल है जिसमें यही हुआ कि जनाब कंसल्टेंट साहब चार दिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, छः डॉक्टर बुला लो, आते दस्तखत करते, एक कुकी बिठाते, 2000-4000 डालते, निकल जाते और फिर लाश की पेमेंट वसूल की जाती है। बहुत जुल्म है, नॉर्मल। ये मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ग्रेट व्यूअर्स, बड़े दुख की बात है। क्या है हेल्थ मिनिस्टर पंजाब क्या है, हमारे दोस्त की बहन है, मैं मुझे दुख होता है, वो खुद कैंसर की मरीज है, अल्लाह उनको सेहत दे, बड़े घर से है, बड़े घर से है, लेकिन मैं कहते हुए मुझे शर्म आती है। और मैं उनके साथ, मैंने उनको उस वक्त इंटरव्यू किया जो इकदार में नहीं थी, ये छोड़िए प्लीज़, अस्पतालों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, कीमती मशीनरी बेकार पड़ी हुई है, मशीनों के पुर्जे उनके पैसे ले लिए हैं, और जो 2 रुपए की दवाई है शालमी से, अकबरी से, इधर उधर से, सबसे माठी दवाई ली जा रही है और बिल बनाए जा रहे हैं, सबूत हाजिर हैं। बात करो तो कहते हैं जी एम एस साहब मीटिंग से डॉक्टर राउंड पे है, और उसी राउंड के दौरान वहाँ से जो गैंग है बेबी किडनेपर्स हैं, वो बच्चा लेके चली जाती है। क्या बनता है उन वालदैन के ऊपर, एमएस तुम्हारा बच्चा अगवा हो जाए, मिनिस्टर हेल्थ तुम्हारा बच्चा अगवा हो जाए, तो फिर देखूं कि आपके हाँ क्या मातम, सफ़ेद मातम बिछती है। तो जनाब किसको कहें, चौधरी परवेज लाई को कहें जिन्होंने अपने घर में आग लग गई, मिनिस्टर हेल्थ को कहूँ जिसने पूरे अस्पतालों का हशर कर दिया, जो खुद बेचारी बीमार है उसको सेहत दे, हमारे दोस्त कैप्टन कमाल अमन कमाल की बहन है वो, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन बहन अस्पतालों का बुरा हाल है, आप चूमिए कप्तान के पोस्टों को चूमिए, जाइए अस्पतालों में, मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊं कि कितनी कीमती मशीनें जो हैं, स्कैनिंग मशीनें जो हैं ख़राब पड़ी हुई हैं, और रेफ़र किया जाता है, जाइए शौकत खानम की लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाएँ, गरीबों के टेस्ट के लिए आप रेफ़र कर देते हैं चौथाई लैब से, शौकत खानम लैब से, कहाँ जाएँ लोग, डेंगू का तूफान बपा है, हम खुद भी ख्याल नहीं करते। मुझे इंतहाई अफसोस है कि डिफेंस जैसे पॉश एरिए में लोगों के घरों में गंदा पानी खड़ा हुआ है, और मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि हमारी जो मॉडल टाउन वाली रिहाइश है, जो लिंक रोड पर रिहाइश है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन, खुद ध्यान देते हैं हम। और इस घर में मुझे फिर ये कहना पड़ता है, मुझे फख्र से कहना पड़ता है कि डेंगू वाले रात को आए, डेंगू वाले दिन को आए, रब कायनात का करम है, मेरी बेगम साहिबा खुद जाके एक एक चीज़, नौकरों में नहीं रहती वो, खुद करती हैं, मैं उनके साथ होता हूँ, मेरी जान खाई होती है उन्होंने, कम ये क्या हो रहा है, पानी क्यों खड़ा हो गया, मैं हम खुद करते हैं। लेकिन आप 2 घर छोड़ दें, 3 घर छोड़ दें, 10 घर छोड़ दें, हर घर में बिल्लियों के बर्तन रखे हुए हैं, कुकड़ों के बर्तन रखे हुए हैं, कुत्तों के बर्तन रखे हुए हैं, भाई ये शौक है,
अगर ये शौक है तो बर्तन साफ कीजिए, खुद उठाइए, नौकरों पे मत जाइए, नौकरानियों पे मत जाइए, और बुरा हाल है। और अभी इंतहाई अफसोस के साथ ऑनरेबल नहायत काबिल एहतराम जनाब कोर कमांडर साहब, जनाब कमांडर DHA ब्रिगेडियर साहब, आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है, मैं एक सिटीजन हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं एक सीनियर सहाफ़ी हूँ और आपका एहतराम करता हूँ, तो आप भी इज्जत और एहतराम करते हैं। DHA जैसे इलाके में फेज वन में हमारी रिहाइश है, फेज वन में रिहाइश है एफ ब्लॉक, ब्लॉक के डी फेज वन, और उसके एफ ब्लॉक के कॉर्नर का जो प्लॉट है उसके बिल्कुल सामने गटर खुलवा था। मेरी अपनी गाड़ी गिर गई दिन को, वो ब्लाइंड गटर था, उसमें सांप और बिच्छू हो सकता है नजर आ रहे हो। चलिए हमारे पास उसकी फुटेज है, हम इस पर अभी चलाएंगे, ये हाल है। और जब हमने मेजर हमाद साहब जो स्टाफ ऑफिसर हैं और ब्रिगेडियर साहब के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं DHA लाहौर के, उन्होंने कहा जी साडा हमारा कॉल, तो उन्होंने रिस्पॉन्स फ़ौरन किया, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि वो एक हमारा कंप्लेंट सर है, आपने SOP अडॉप्ट नहीं किया, आपने हाईएस्ट फोरम पे आ गए। तो मैंने कहा जी मैंने कोई ट्यूब ठीक करानी नहीं कि मैं कंप्लेंट करूँ या मेरे घर पानी नहीं आ रहा, मेरी गाड़ी जो है इसका डाउन ऑफ हुआ है, ये गटर में गिर गई है, बैडली डैमेज हो गई है, माई वाइफ हैज़ गॉन इन ट्रामा, कोमा में चली गई है, तबीयत खराब हो गई है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरा बुरा हाल हो गया है, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो गया है, मेरी गाड़ी गिर गई है, घर में मेहमान आए हुए हैं, टेलीविजन प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे साहब आप क्या कर रहे हैं, ये हाल है। DHA ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DHA लाहौर जनाब ब्रिगेडियर साहब, और वेरी ऑनरेबल एंड चूंकि आप चेयरमैन हैं DHA के, तो कमांडर साहब खुदा रहा देखिए क्या हाल है, नालियों में पानी खड़ा हुआ है, डेंगू के ने बुरा हाल कर दिया है, ये वेस्ट मैनेजमेंट ने तबाही मचा के रख दिया, बुरा हाल है। और सिक्योरिटी का ये हाल है कि अगले दिन पुलिस वाले मेरे गेट पे, उन्होंने कहा कि आपके घर के सामने एक मेजर साहब को गोली मारी है, क्या हो रहा है, सिक्योरिटी के नाम पर हज़ारों रुपये, सफाई के नाम पर हज़ारों रुपये। आई रिक्वेस्ट यू जनाबे चेयरमैन DHA, जनाब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DHA और हमारे दोस्तों की टीम, यस मुझे ये कहते हुए बहुत आई फील प्राउड कि हमें जब ये घर ट्रांसफ़र करना था तो वहाँ एक कर्नल मुशर्रफ साहब थे डायरेक्टर ट्रांसफ़र, उन्होंने कोविड में टेस्ट बनाया हुआ था और शॉर्ट टाइम के लिए दफ्तर खुलता था और रैपिड एक्शन होता था। अल्लाह उनको जजा दे, अल्लाह उनको सेध दे। उसके बाद मैं पाकिस्तान से चला गया और हमारी कोशिश है, और वहाँ ये ख्याल नहीं किया जा रहा था, वहाँ बिल्कुल तमीज़ नहीं थी कि कोई जनरल आ गए, कोई सिपाही आया है, कोई सिविलियन है, वो सबको इज्जत और वकार के साथ पेश आ रहे थे। और नींबू पानी का बल्कि मैंने एक दिन कर्ण साहब को कहा, कर्ण साहब उनका जिसमें चो भी नींबू पानी निकलना शुरू हो गया है। सो गॉड ब्लेस योर टीम, अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान की तामीर में हिस्सा लें। पाक फौज इस वक्त जिस इंथुसियाज़्म के साथ सैलाब में रेस्क्यू कर रहे लोगों को, हैट्स ऑफ, सलूट टू पाक फौज, और जो मुखैर हजरात लगे हुए हैं उनको भी सलाम। हमारे एक अजीज़ जो हैं एयर वाइस मार्शल जनाब साजिद हबीब साहब, वहाँ फैल्कन जो कॉलोनी है उस पर उन्होंने वहाँ कलेक्शन कर रहे हैं, रिलीफ फंड ले रहे हैं, जस्ट कपड़े ले रहे हैं, फिर मेरे साथ वो रबते में हैं, वो रोज़ एक दो जब जहाज़ चले जाते हैं, ट्रक चले जाते हैं तो फिर खबर देते हैं, और उनके शौक का हाल देखिए, कमाल हो गए। तो एयर वाइस मार्शल हैं, CO जो एक एकेडमी है एयरफोर्स एकेडमी, उसके CO अभी मेरा ख्याल है उनका टेन्योर पूरा हुआ है, लेकिन शौक का हाल देखिए, वो जाके मुझे कह रहे थे भाई मैं तो खुद जाके, मैं और मेरी टीम जाके अकबरी से खजूरें खरीदें, अकबरी से चीज़ें खरीदें। ऐसे भी लोग हैं, और जो कहते हैं गटर में गाड़ी गिर जाए तो कहते हैं उससे साढ़ा एक कंपेट्स है बना हुआ, वेरी सैड, वेरी बैड, एंड आई एम एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड। यंग मेजर साहब बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, फिर उसके बाद गटर का जब घटना लग गया, जब मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू मीट ऑनरेबल कोर कमांडर और ब्रिगेड साहब के पास हम खुद आएंगे, एक तो हल था कि एक फुटेज हम चलाते तो फिर ये सारा काम हो जाता, एक ये है कि हम खुद बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ऊपर से 100 बातें सुननी पड़ रही हैं। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी, हमें आपके
कोने के ऊपर गटर खुला हुआ है, आप मुझे कह रहे हैं जी कि हम 24 घंटे तो नहीं सर्विलेंस कर सकते। सिक्योरिटी गार्ड के सामने गटर खुला हुआ है, सिक्योरिटी सारा दिन घूम रही है। और जो कहते हैं जब पुलिस आई तो उन्होंने जो स्पॉट दिखाया मेरे घर के बाहर स्पीड ब्रेकर पे, मेजर साहब बेचारे रिटायर्ड मेजर साहब को जब गोली लगी है तो मुझे कहने लगे जी कि सर आपके घर के सामने गोली लगी है सुबह 7:30 बजे। तो दोनों जगह पे, दोनों साइडों पे, सेंटर में हमारी रैश है, दोनों साइडों पे चेक पोस्ट हैं, पुलिस जो हमारी DHA की सिक्योरिटी है दोनों साइडों पे खड़ी हुई है। क्या आइए हम मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। स्टे ब्लेस्ड, एक नाना सा बप्पा, छोटा सा बप्पा ज़रूर जाइए, हैव ए कप ऑफ टी। और आप इस वक्त लाइव हैं, लाइव विद कामी फ्रॉम पाकिस्तान एंड पुर्तगाल। हम यू लौटे।